इस दिल्ली में आकर के चिंगनर भाई, कन्हैया भाई, सहजा बहन और तमाम जितने क्रांतिकारी साथी यहां पर आए, गोरखपुर की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं, जय हिंद करता हूं। कुछ बातें रखनी थी चिंगनर भाई प्रसाद के साथ रही, इस देश के कोने कोने में जब ओबीसी एससी और माइनॉरिटी के लोग अपने हथियारों के लिए लड़ते हैं तो उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग तो लड़के हैं 307 राजनी लूट पुलिस पे हमला दंगा भड़काना आम बात हो गई है, जेल में जाते भी हैं आपके गुजर। दुर्भाग्य इस बात का इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में चिंगनर भाई अब विधायक हो गए, हमारे अगुआ हो गए हैं। मैं अपील रखना चाहता था, भारत के इतिहास में एक दलित लड़की गोरखपुर विश्वविद्यालय से 690 प्रत्याशी थी, रिजल्ट इसका रहा थी मनोविज्ञान से। चिंगनर भाई कन्हैया भैया 307 लूट राजनी पुलिस पे हमला 302 छोड़ करके हत्या का मामला छोड़ करके जितने धाराएं थे अन्नू प्रसाद के ऊपर लगा दिए गए, बहुत सारे झटकाया झट रही है, बोलूंगा पीड़ा करूंगा तो आंखों से पानी भी आएंगे। ये देश हमारा है, इस देश के महापुरुष भी हमारे थे, लेकिन इस देश को तोड़ने का साजिश कौन कर रहा है ये सोचना पड़ेगा। हम लोग अपने पॉकेट मनी से जब भी मानवी का आंदोलन था दोनों आंदोलनों में हम लोग आए, लेकिन ये आवाज अब आप अगुआ के रूप में, चंद्रशेखर भाई अगुआ के रूप में, कन्हैया भैया या सहजा बहन हमारी, आप लोगों से निवेदन है कि अब देश की जनता, देश की युवा, देश की पहले तमाम शोषित परिवार के लोग अब आप लोगों से आशा रखे हैं। आपने जैसे मीडिया ने कहा, मैं जब गोरखपुर से निकला तो कहने लगे लोग कि कार्यक्रम स्थगित हो गया, आप चैलेंज कोई फायदा नहीं, उतना तेल लगा के क्यों जा रहे हो। तो मैं कहा कि चिंगनर भाई ऐसा नहीं है, उसने कहा है तो करेगा, और मुझे गर्व होता है दिल्ली में आकर के आप सारे क्रांतिकारी साथियों को इसी सब बातों से। मैं जय भीम के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा, मैं आप लोगों को सुनने आया हूँ, मैं वक्ता नहीं मैं श्रोता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ जरूर करिएगा कि देश की जनता आज देख रही है आपको और देश की जनता का विश्वास और आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत।